नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका आईएनएन 24 में। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। इटखोरी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बाथरूम से संदिग्ध अवस्था में छात्रा का शव बरामद हुआ। यह थाना क्षेत्र के करनी गांव की रहने वाली थी। 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाली मीना कुमारी का बाथरूम में मिला शव। स्कूल के प्रभारी वार्डन के अनुसार मीना को बेहोशी के हालत में मिलने के करीब एक घंटे बाद परिजनों को अस्पताल ले जाने की बात कहकर उसे सौंपा गया था। वहीं छात्राओं ने भी बाथरूम में मीना के गिरे मिलने की बात कही। जानकारी के अनुसार छात्रा मीना कुमारी मंगलवार सुबह कमरे से निकलकर बाथरूम गई थी। बाथरूम से निकलने के दौरान पैर फिसलने से गिर गई, जिससे छात्रा के सर में चोट आने के कारण मौत हो गई। छात्रा के मौत का खुलासा तब हुआ जब परिजन छात्रा को लेकर आनन फानन में इटखोरी स्वास्थ्य उपकेंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने कई घंटे पहले छात्रा की मौत होने की पुष्टि कर दी। उसके बाद इटखोरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं परिजनों ने विद्यालय संचालक पर आरोप लगाया कि छात्रा की मौत का कारण बाथरूम में गिरने से सर पर चोट है या कुछ और है, इसे लेकर छात्रा की मौत पर लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं विद्यालय की वार्डन के अनुसार बाथरूम में गिरने से हुई है छात्रा की मौत। मुख्यालय डीएसपी के केदारनाथ राम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। पुनः मॉर्निंग में 6:30 बजे जो हमको जानकारी मिली और हम 7:30 बजे पहुँचे।